मेरी फर्स्ट गिव अवे विनर मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हैं और उनके मानत उनको डिस्पैच करने का टाइम आ गया है। बाय द वे इस वीक में एक और गिव अवे भी अनाउंस हो रहा है, सो बी रेडी फॉर इट। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती चलूँ कि आप लोगों ने अगर अभी तक वाइट सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, आपको कोई मेडिकल इशू है या नहीं है, आप प्लीज़ अपने टेबल सॉल्ट को चेंज कर लें पिंक सॉल्ट के साथ। ये बहुत बेनिफिशियल है, आपको वाटर रिटेन होने नहीं देगा, आपको बीपी थायराइड से बचाएगा। प्लीज़ वो आयोडीन मिला नमक इज़ ओल्ड फैशन स्टफ़, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसको इतना प्योरीफाई किया जाता है कि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं। पाकिस्तानी हिमालयन रेंज से ही निकलता है ये और सारी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, तो हम इसको क्यों ना यूज़ करें। एक और प्रोटिप जो मेरी डाइटिशियन ने मुझे बताई वो ये है कि अगर आप पानी पीते हैं तो वो आपको हाइड्रेट करता है, लेकिन अगर आप पानी में आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल के पीते हैं तो वो आपकी सेलुलर हाइड्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप बीपी के पेशेंट हैं या आपको कोई भी इशू है या वाटर रिटेन होता है, पिंक सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट लाजमी इस्तेमाल करें। इसको तो आप अभी चेंज कर लें। बाकी ये कि मैंने सुबह नाश्ते में खीरा ले लिया, हाफ बॉइल्ड एग लेना चाह रही थी मैं, लेकिन हाफ बॉइल्ड एग को छीलते कैसे मुझे इसकी समझ नहीं आई। कॉफ़ी टाइम हो गया, कॉफ़ी को मैं छोड़ नहीं सकती। इसमें मैंने हल्का सा कोकोनट ऑयल डाला है, फ्यू ड्रॉप्स टू मेक माई सेल्फ हैवियर, और उसके बाद मैंने शूज़ पहन लिए और घर में ही वॉक करें, घर में चलते रहें। उसके बाद मैंने एक फ्रूट ले लिया, फ्रूट मुझे आड़ू पसंद है, सेब भी खा सकती हूँ लेकिन मुझे आड़ू का सीज़न है तो आड़ू पसंद है और इसको काट के खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बहुत ईजी गोइंग हूँ। आप भी इसी तरह चलते फिरते इसको खा लें, घर में वॉक करते रहें। शाम को 4 बजे मैंने थोड़े से मखाना ले लिए और वॉलनट्स ले लिए। आप भी कोई एक वॉलनट्स या ऑलमंड में से एक ड्राई फ्रूट लाजमी रखें। घर में लंच बना हुआ था जो कि रेड दाल थी, रेड दाल से याद आया कि आपके डाइट प्लान में आप दाल सूप भी ले सकते हैं। मैं आखिर में आपको प्लान फिर शेयर करूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लंच में मैंने चूंकि फ्रूट और ड्राई फ्रूट ही लिया था इसलिए मैं अर्ली डिनर कर ली थी, मैंने दाल ले ली सैलेड के साथ। और उसके बाद मैं चली गई कि TCS ऑफिस कहाँ है ताकि मैं जो है ड्रेस वो पार्सल कर सकूँ आज़ाद कश्मीर अलीना के लिए। सो लकी यू गर्ल, और आप भी हो सकते हैं बिकॉज नेक्स्ट गिव अवे भी आ रहे हैं। खैर ये मैंने कर दिया और मेरा काम ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं अपने नानो नानी से मिलने के लिए चलेगी और मैं खाना खा के आई थी ताकि मुझे कुछ भी खाना ना पड़े। आपको पता है कि जब आप नाना के घर जाएं, ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाएं तो वो आपको सही ठोंस ठोंस के खिला के भिजवाते हैं, पर एनी हाउ मैंने वहाँ पर कुछ नहीं खाया। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये मैं आपको कभी डे टाइम में दिखाऊँगी, ये सेंटोरस से भी बड़ी बिल्डिंग है। ये डाइट प्लान चेंज होने में 5 दिन रह गए हैं। मैंने अपने न्यूट्रिशनिस्ट से बात की कि मुझे भूख नहीं लग रही और वो कहती हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है इसलिए कि आपकी फैट्स बर्न हो रही हैं, गोइंग गुड। मैंने आज वॉक और एक्सरसाइज नहीं की इसलिए कि मैं फील नहीं कर रही थी कि मुझे आज करनी चाहिए। आई वॉज ऑलरेडी फीलिंग लाइट। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस प्लान के लिए, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप इसको कर सकते हैं। ये सेफ है हर तरह की आपकी मेडिकल कंडीशन के लिए भी, सो डू गिव इट अ ट्राई। कोई फैंसी प्लान नहीं, आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। और मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और सब्सक्राइब करें।